ये जो दो ए पिलर कहते हैं दोस्तों, ये ए पिलर और आपका रोड का जो इंटरसेक्शन वो जब मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक हाफ टर्न और यहाँ से फिर से वापस यहाँ तक फुल टर्न हो गया। यहाँ पे देखिए और एक 90 डिग्री टर्न है। अभी आप थोड़ा मूव कराएंगे देखिए गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो मैं इसको ऐसे सीधा कर लिया, इस तरह से पुश पुल टेक्निक यूज करके फुल कट कर दिया स्टीयरिंग को। अभी देखिए मैं 10-2 पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ के रखा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा ताकि आप इसे देख के आपका स्टीयरिंग कंट्रोल और भी बेहतर बना सके। और खास करके दोस्तों अगर आप एक बिगिनर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आजकल हर कोई पैसेंजर कार में पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। पहले हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हुआ करता था, मगर आजकल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इसमें ईपास और ईपीएस करके एक मॉड्यूल होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करने का कोशिश करता है तो ये मॉड्यूल आपको थोड़ा बहुत पावर असिस्ट देता है। तो इससे आपको लगता है स्टीयरिंग रोटेट बहुत ही आसान हो गया, हल्का लगता है स्टीयरिंग। मगर उसके साथ साथ दोस्तों जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाते है और वैसे वैसे दोस्तों स्टीयरिंग धीरे धीरे हार्ड होना शुरू करता है। बहुत हाई स्पीड में दोस्तों ईपास वाला गाड़ी में स्टीयरिंग बहुत हार्ड लगता है, तब आप स्टीयरिंग को उतना ज्यादा मुड़ नहीं सकते। और हालांकि दोस्तों ये सही भी है, हाई स्पीड में दोस्तों स्टीयरिंग ज्यादा घुमाना ठीक नहीं होता है। जब गाड़ी का इंजन बंद रहता है तब दोस्तों आप स्टीयरिंग को रोटेट करने का कोशिश मत कीजिए। जैसे देखिए मैं अभी चाबी को ऑफ कर दिया, अभी मैं स्टीयरिंग को रोटेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना हार्ड लग रहा है। ठीक है, चाबी को निकाल लिया, देखिए अभी एक पोजिशन जाके ये स्टीयरिंग लॉक हो गया। तो ये दोस्तों हर कोई गाड़ी में होता है, ये गाड़ी का एक सेफ्टी फीचर है। अगर गाड़ी बंद अवस्था में आप स्टीयरिंग को ज्यादा रोटेट करने का कोशिश करेंगे तो किसी एक जगह पे आके स्टीयरिंग लॉक हो जाएगी। तो इसे ओपन करने का क्या उपाय है, आप चाबी डालिए, चाबी को मैंने ऑन पोजीशन में लेके आया और उसके बाद ऐसे स्टीयरिंग को एक हाथ से पकड़ा और दोस्तों देखिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट दिया, देखिए स्टीयरिंग ओपन हो गया। जैसे ही दोस्तों मैंने गाड़ी को स्टार्ट दिया, स्टीयरिंग बहुत ही सॉफ्ट लगने लगा है। आप देख सकते हैं मैं इसे कितना आसानी से रोटेट कर सकता हूं। दोस्तों अभी मैं आपको गाड़ी चला के दिखा रहा हूं, एक नंबर गियर में डाला, हैंड ब्रेक को डाउन किया और अभी मैं गाड़ी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ रहे हैं, मैं स्टीयरिंग को उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं लेफ्ट साइड में मुड़ूंगा। देखिए मैंने पहले गाड़ी को स्लो किया, उसके बाद मैंने लेफ्ट टर्न लिया। ये एक 90 डिग्री टर्न था दोस्तों। 90 डिग्री टर्न का मतलब ऐसे एल शेप का टर्न होता है, 90 डिग्री टर्न। तो 90 डिग्री टर्न में दोस्तों आपको हमेशा गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों गाड़ी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। अभी देखिए और एक 90 डिग्री टर्न है, मैं फिर से स्लो डाउन किया, देखिए स्टीयरिंग को मुड़ दिया मैंने यहाँ पे और एक 90 डिग्री टर्न हो गया। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर गाड़ी को घुमा लूँगा, ठीक है गाड़ी यहाँ पर घूम गई है। मैं दोबारा एक 90 डिग्री टर्न ले रहा हूँ, स्लो टर्न था तो दोस्तों इसलिए मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को रोटेट किया। अभी देखिए मैं 10-2 पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ के रखा हूँ। दोस्तों गाड़ी जब खड़ी होती है तो गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? कुछ कुछ कार्स में क्या होता है, कुछ कुछ कार्स में डिस्प्ले में आपको दिखा देता है स्टीयरिंग सीधा है या नहीं। तो इसका दो तरीका है, एक है पहले आप गाड़ी को ऐसे थोड़ा सा मूव कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी स्टीयरिंग सीधा नहीं है, व्हील सीधा नहीं है, यहाँ पर तो सीधा दिख रहा है,
अभी आप थोड़ा मूव कराएंगे देखिए गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो मैं इसको ऐसे सीधा कर लिया। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं स्टीयरिंग को बाएं तरफ फुल कट कर रहा हूँ, ठीक है, फुल कट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ टर्न और यहाँ से फिर से वापस यहाँ तक फुल टर्न हो गया, एक फुल टर्न। तो अभी देखते हैं फुल टर्न करने के बाद, देखिए अभी सीधा हो गया। तो किसी भी एक साइड में दाहिने या बाएं तरफ किसी भी एक साइड में अगर आप गाड़ी को फुल कट कर देंगे, वहां से गाड़ी को सीधा करने के लिए 1.5 टर्न का जरूरत पड़ता है, खास करके इस कार में 1.5 टर्न से हो जाता है। आप किसी भी कार में ऐसे मेजर करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको और थोड़ा डेमो करके दिखाऊंगा स्टीयरिंग व्हील को किस तरह से आपको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न करके मैं मेन रोड में आ गया दोस्तों। यहाँ पर सामने 3 लड़का जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव किया। तो थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए दोस्तों मुझे थोड़ा सा स्टीयरिंग को इधर रोटेट करना पड़ा। अभी गाड़ी स्लो है, अभी मैं देखिए स्टीयरिंग कितना घुमा रहा हूँ, तो इसमें कोई गाड़ी का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। मगर गाड़ी अगर फास्ट चलता है तब मैं इतना मूवमेंट करूँगा तो गाड़ी ऐसे ऐसे दाएं बाएं करेगी, तो उससे क्या होता है दोस्तों गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ पे देखिए मैं एक यू टर्न ले रहा हूँ, मैं किस तरह से पुश पुल टेक्निक यूज़ करके फुल कट कर दिया स्टीयरिंग को, और देखिए स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली सीधा हो गया। ऑटोमेटिकली क्यों सीधा हुआ, क्योंकि स्टीयरिंग का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। अगर ऑटोमेटिकली सीधा नहीं होता है किसी भी कार में तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है, यह एक रीज़न हो सकता है। और दूसरे बात है गाड़ी का स्टीयरिंग में कोई मैकेनिकल इशू है। तो देखिए कभी कभी मैं ऐसे स्टीयरिंग को पकड़ता हूँ, खास करके जब गाड़ी थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलती है तब मैं स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में मैं स्टीयरिंग को ज़्यादा मैनूवर नहीं करता हूँ दोस्तों। ज़्यादा स्पीड में स्टीयरिंग को ज़्यादा रोटेट करना कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाता है, दुर्घटना घट सकती है। तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग को ज़्यादा मैनूवर करने का ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले गाड़ी को स्लो कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों स्टीयरिंग मैनूवर करेंगे। देखिए अब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, पहले मेरा काम क्या होगा, पहले मैं गाड़ी को स्लो किया, अगर ज़रूरत है तो गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं फर्स्ट गियर में डाउनशिफ्ट किया, यहाँ पर शार्प 90 डिग्री टर्न है, ठीक है, गाड़ी ऐसे यहाँ पर घुस गई है। तो इसके बाद मैंने स्टीयरिंग को फिर से वापस सीधा कर लिया, यहाँ पर मैंने स्लो स्पीड में गाड़ी को इस तरह घुसाया। अभी देखिए मैं राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पर भी एक शार्प 90 डिग्री टर्न था, तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह से राइट साइड में आ गया। स्टीयरिंग को अगर आप कस के पकड़ेंगे, ऐसे बहुत कस के पकड़ेंगे, तो किसी एक टाइम में दोस्तों आपको हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और कस के पकड़ने से दोस्तों आपका जो रिएक्शन टाइम वो भी ख़राब हो जाएगा। तो कभी स्टीयरिंग को ऐसे कस के मत पकड़िए, स्टीयरिंग को आराम से पकड़िए, हल्के से पकड़िए, आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप स्टीयरिंग को मैनूवर कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग में हाथ नहीं रखेंगे, नॉर्मली स्टीयरिंग गाड़ी को सीधा रखने का कोशिश करते हैं, मगर जो रोड है वो रोड दोस्तों थोड़ा बहुत कर्व होता है कहीं कहीं पे। तो दोस्तों ये कर्व के वजह से क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा गाड़ी को स्टीयर करना पड़ता है ताकि वो रोड के साथ अलाइन होकर चल सके। तो अभी देखिए मैंने थर्ड गियर में अपशिफ्ट किया, सेकंड गियर में था पहले। जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाते हैं, अभी मैं बहुत कम स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, तो जैसे जैसे 50, 60 और उससे भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलते रहते हैं, वैसे वैसे गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड होना शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए और एक 90 डिग्री टर्न है। टर्न जब स्टार्ट होता है तो क्या कैसे पता चलता है, ये जो दो ए पिलर कहते हैं दोस्तों, ये ए पिलर और आपका रोड का जो इंटरसेक्शन वो जब मिल जाता है तब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आपका टर्न स्टार्ट हो गया।
तो उसी वक्त में दोस्तों आपको स्टीयरिंग का मैनूवर भी शुरू करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर राइट टर्न लूंगा, देखिए अभी यहाँ पर मेरा राइट टर्न खत्म हुआ और आप देख सकते हैं स्टीयरिंग भी ऑटोमेटिकली वापस आ गया, फिर से सीधा हो गया। अभी यहाँ पर देखिए मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, मैं पहले देख लिया राइट साइड में कुछ व्हीकल्स आ रही है या नहीं, अगेन मैं यहाँ पर लेफ्ट टर्न लूंगा। ठीक है, मैं बहुत ही स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, 20-30 के आसपास स्पीड है और इस स्पीड में इस टाइप का टर्न में मैनूवर करना सही होता है। इससे ज़्यादा स्पीड में अगर इस टाइप का टर्न लेंगे तो दोस्तों गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।